डुआर्स में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक घायल हुआ है। डुआर्स इलाके में हाथियों का तांडव जारी है। इस बार हाथी ने एक शख्स को मार डाला। उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृतक की पहचान बबलू उरांव के रूप में हुई है जबकि घायल महिला की पहचान लाचो उरांव के रूप में की गई है। यह घटना डुआर्स के मेटली ब्लॉक के उत्तरी धुपझोरा मूर्ति वन ग्राम क्षेत्र में की है। बताया जाता है कि बुधवार की रात गोरुमारा जंगल से एक जंगली हाथी मूर्ति वन ग्राम क्षेत्र में घुस आया। हाथी ने घर के पीछे की दीवार तोड़ दी और घर के भीतर से बबलू को अपनी सूंड से बाहर खींच लिया। घर की दीवार टूटने से घर का एक हिस्सा टूट गया और एक बड्डी लकड़ी से दबकर उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी बीच हाथी ने बबूल को घर से निकालकर कुचल दिया। जब स्थानीय लोगों को इसका एहसास हुआ और उन्होंने चिल्लाया तो हाथी जंगल में वापस लौट गया। सूचना मिलने पर रात में ही मेटली थाने की पुलिस और खूनिया रेंज के वनकर्मी मौके पर आए। इस बीच जब बबलू और उसकी पत्नी को चालसा तुरमसी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बबलू को मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर उनकी पत्नी की चोटें गंभीर है और उन्हें माल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक मृतक के परिवार को सरकारी नियमानुसार मुआवजा मिलेगा। আমি খবর পেয়ে আসলাম, মানে হচ্ছে মূর্তি ফরেস্ট বস্তি, যেখানে রাত্রে প্রায় 15টা নাগাদ একটি গরুমারা ফরেস্ট থেকে একটি হাতি এসে বাবলু উরাওয়ের নামে একটা ব্যক্তিকে স্পটে মারছে। তো সেই বিষয়ে আসলাম একটু দেখতে। তো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ফরেস্টের যে পরিকাঠামো, ফরেস্টের পরিকাঠামোটা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে বলে কিন্তু আজকে এই সব ঘটনাগুলো দিনের পর দিন আমরা পাচ্ছি আর কি। তো আগামী দিনে ফরেস্টে যদি বেশি করে গাছ এবং হাত মানে বন্য প্রাণীদের খাবার ব্যবস্থা যদি হয় তাহলে খুব ভালো হয়। ঠিক আছে, আমার নাম হচ্ছে সাবুল হক।